हमीरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजेंद्र चौहान व मुख्य वक्ता आरएसएस बिलासपुर विभाग अध्यक्ष मनोहर लाल रहे। इस अवसर पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल, हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर, भोरंज की विधायिका कमलेश कुमारी के अलावा कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। हमीरपुर में आयोजित आरएसएस के कार्यक्रम के दौरान शुरुआत में ध्वजारोहण व शस्त्र पूजा के साथ की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता ने अपने संबोधनों के बाद हमीरपुर नगर में पद संचालन का भी आयोजन किया, जिसमें स्वयं सेवियों ने पूरे हमीरपुर बाजार की परिक्रमा की और लोगों को संदेश दिया कि हिंदू संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है और इसे संजोए रखने के लिए एकता बहुत जरूरी है। पद संचालन में सैकड़ों की तादाद में जिला भर से आए हुए स्वयं सेवियों ने लट शस्त्र के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा पूरे देश में स्थापना दिवस विजय दशमी को मनाया जाता है और इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। आरएसएस के जिला मीरपुर कार्यवाहक किशोर कुमार ने बताया कि विजयदशमी के दिन ही सन 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई थी। इसी उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन हर साल किया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के बाद हमीरपुर बाजार में हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए आरएसएस के द्वारा पद संचलन के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय पद संचलन कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में स्वयं सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज परम सौभाग्य की बात है कि आज विजयदशमी का दिन, जिस दिन 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगे वारजी ने शुरू की थी, आज उसके 93 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनेकों प्रकार की योजना के अनुसार इस दिन अपने शक्ति प्रदर्शन के नाते इस कार्यक्रम को करता है। साथ ही में हिंदू रीति नीति के अनुसार ये शस्त्र पूजन का दिन भी रहता है। इसी दिन भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और दुराचारी रावण का संहार किया था। विजय प्राप्त उन वन्य प्राणियों के संगठित कर और शस्त्रों के बल के ऊपर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसी सिद्धांत को मानते हुए अपने इस हिंदू समाज को संगठित करने का लक्ष्य लेकर के इस विश्व गुरु के सिंहासन पर भारत माता को विराजमान करना चाहता है। उसी उपलक्ष्य में अपने ये जिला का कार्यक्रम है। इसमें जिला की 70 शाखाओं के स्वयंसेवक सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे व अपने उसके पश्चात यहाँ पे बौद्धिक कार्यक्रम होने के पश्चात बाजार में संचलन का निकाला जाएगा, जिसमें प्रत्येक स्वयंसेवक जो है उसमें भाग लेगा।